तो जब हमारी पहचान, जब हमारी इच्छाएं और हमारा इश्क है, हमारे भाव हैं और हमारी पहचान हमेशा रिलेटिव होती है, हमारा जो आइडेंटिटी इज रिलेटिव टू समबडी एल्स, टू द सोसाइटी, टू द कंट्री, टू द लैंड, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने बारे में ख्याल ना करें. और अगर हमें वाकई में अपने आप को बचाना है तो हमें दूसरों का ख्याल भी करना चाहिए. और ये जो कविता मैं कहने जा रहा हूँ, इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैंने गौर करी. मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ कि किसी भी तरह का जो बंटवारा होता है, चाहे वो घर का हो, अगर आपके घर में कभी बंटवारा हुआ है तो आप समझेंगे इस चीज़ को, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो देश का हो, हर चीज़ की प्लॉट लाइन, हर चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्टोरी है हर बंटवारे की, समाज, घर, देश, हर जगह सेम है. हुई मुद्दत बहुत हमने, हुई मुद्दत बहुत हमने, कभी पूछा ना आपस में कि मेरे भाई बरसों से जो अब तुम दूर रहते हो, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम्हारा हाल कैसा है. हुई मुद्दत बहुत हमने कभी पूछा ना आपस में कि मेरे भाई बरसों से जो अब तुम दूर रहते हो, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम्हारा हाल कैसा है. ये माना हम थे जब बिछड़े हुए थे अनगिनत झगड़े, मचा कोहराम था घर में, गिरी बिजली थी आंगन में, वो कब अपनी लड़ाई थी, बड़ों की ही लगाई थी, था उनका फायदा उसमें, किया सौदा था आपस में, बटी दौलत उठा करके, हमें मुद्दा बना करके, वो बूढ़े जो ये कहते थे कि हम तुम एक से बच्चे नहीं एक साथ पल सकते, वो झूठे थे, वो झूठे थे. ये आया है कभी दिल में किसी रस्ते या महफिल में, जो हम नजरें मिलाएंगे नहीं क्या मुस्कुराएंगे, क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे भी नहीं. कि आया है कभी दिल में किसी रस्ते या महफिल में, जो हम नजरें मिलाएंगे नहीं क्या मुस्कुराएंगे, हमाना अब नहीं मुमकिन है रहना साथ में, लेकिन भला हम दोनों आपस में कोई भी रंज क्यों पालें, व्यथा दोनों घरों की ही समझता हूँ मैं, पर फिर भी जो उसमें रहते हैं उनकी कभी खुशियों से भी ज्यादा कोई भी घर बड़ा है क्या, भुला करके मैं शिकवे सब ये तुमसे पूछता हूँ अब, कि मेरे भाई बरसों से जो अब तुम दूर रहते हो, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम्हारा हाल कैसा है. दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन.